और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूल में आरक्षित 90,000 सीटों में से प्राप्त 79,364 आवेदनों के लिए लॉटरी बुधवार को निकाली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीते दो सालों में आधी सीटों पर ही भर्ती हो पा रही है, और यही नहीं रिक्त सीटों को भरने का कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा। शिक्षक अधिकार कानून बनने से गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा पाने का द्वार तो खुल गया है, लेकिन RTE के अंतर्गत प्रदेश में प्रवेशित बच्चों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये सपना सच होता नजर नहीं आ रहा है। और ये लॉटरी पहली बार राज्य स्तरीय लॉटरी निकाला जा रहा है। इससे पूर्व में जिला स्तरीय लॉटरी निकाला जाता था, जिसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी किया जा रहा था और जो है कम से कम सीटों पर भर्ती हो रही थी, जिसको लेकर हमने आपत्ति दर्ज की और हमें लोक शिक्षण संचालनालय से स्कूल शिक्षा विभाग से आग्रह किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राइवेट स्कूल में दिलाया जाए। और हमारी इस मांग को मान लिया गया है और इस बार पहली बार राज्य स्तरीय लॉटरी 15 जुलाई को निकाल